नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है ये समझ लीजिए पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब कार्य का पूरा होना, और कंटिन्यूअस का मतलब कार्य का जारी रहना। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कार्य कंप्लीट भी हो चुका होता है और जारी भी रहता है? देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी 2 घंटे पहले देखा था तब भी काम चल रहा था, और अब भी आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कुछ काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ 2 घंटे से लेके अब तक, और अब भी आपके सामने काम चल रहा है। इसी बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा, रही, रहा है, रही है, रहे है, और प्लस समय भी दे रखा होता है। इसकी पहचान देख लीजिए, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दों के साथ समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है। अभी देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इसके रूल्स थोड़ा फॉलो कर लीजिए। रूल्स, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है इसमें ही माने वह, सी माने वह, इट और या किसी का नेम। यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनके साथ आपको यूज करना हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है ये देख लीजिए, आई, वी, यू और दे। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे। यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं तो यूज करना हैव बीन। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए, सिंस निश्चित समय में देखिए कौन कौन आता है। निश्चित समय की बात करते हैं तो निश्चित समय में बजे, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, रात या दिन का नाम, महीने का नाम, या साल का नाम। ये सभी निश्चित समय मान लिए जाते हैं। बजे आ जाए जैसे 8 बजे, 10 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन का नाम जैसे सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और या फिर साल का नाम आ जाए, तो इनके लिए आपको यूज करना है सिंस का। इसमें सिंस का यूज करते हैं, SINCE, सिंस का यूज करते हैं। और अनिश्चित समय, ये देखिए अनिश्चित समय में क्या करते हैं, अनिश्चित समय में कौन कौन आता है, सेकंड, मिनट, घंटे आ जाता है, दिन आ जाता है, 2 दिन से 4 दिन से 8 दिन से 10 दिन से दिन का नाम नहीं आएगा, दिन आएगा, महीने या साल, 2 सालों से 10 सालों से, इनमें साल का नाम नहीं आएगा, इनका नाम नहीं आएगा, तो इनके लिए यूज करना आपको फॉर का, F4। अब ये देखिए करना क्या, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, उसके बाद में आपको लगाना बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देनी है आपको, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फॉर, उसके बाद में टाइम। ये देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका,
वह है 2 बजे से गाना गा रहा है, वह 2 बजे से गाना गा रहा है। इसमें सब्जेक्ट है वह है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वह की होती है ही अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है हैज बीन, ही हैज बीन। अब आपने हैज का यूज कर लिया और बीन का यूज कर लिया, अब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी, वह उसकी गाना, ठीक है, गाते हैं मुंह से, तो उसकी होती है सिंग, इसमें आई एनजी लगा देनी है सिंगिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। अब इसमें सिंस या फॉर्मेशन का यूज करना है, तो ये देखिए इसमें बजे आ गया, जो कि मैं ऊपर बता चुका था बजे में यूज करते हैं सिंस का, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस कितने बजे से, 2 बजे से, तो देखिए सिंस 2 o'clock। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ये देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं शब्द लगा रहता है, नहीं शब्द हमेशा वर्ब से पहले आएगा। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है बीन। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, बीन के बाद नॉट लगाते हैं, तो बीन से पहले नॉट आता है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हो, तुम 2 घंटों से खाना नहीं खा रहे हो, नेगेटिव पार्ट में बस नहीं आ जाता है, तुम 2 घंटों से खाना नहीं खा रहे हो। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें तुम की होते है यू, यूज अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यूज करना पड़ेगा हैव, यू हैव, उसके बाद में नॉट, यू हैव नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी वर्ब है, खाने की होती है ईट, आई एन जी जोड़ दोगे इसमें ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है द फूड। और अब ये यहाँ पे आ रहा घंटों की बात होगी, घंटे में हम लगाते हैं फॉर, 2 घंटों से, तो फॉर 2 hours, तो तुम 2 घंटों से खाना नहीं खा रहे हो, यू हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, इसमें 4 पार्ट होते हैं, ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इनसे जिन शब्दों से प्रश्न बनता है। इसका पहला पार्ट होता है क्या आरंभ में आने पर, में आने पर, जैसे आपको क्या आरंभ में आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को आगे रख देना है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, उसके बाद में आपको लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद में लगानी है आपको बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में आपको जोड़ना टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, क्या मैं तुम्हें 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो कैसे बनाओगे, क्या स्टार्टिंग में आ गया और सब्जेक्ट है मैं के लिए यूज करते हैं हैव, सब्जेक्ट आई हैव, आई बीन, टीचिंग पढ़ाने की होती है टीच, टीचिंग यू, तुम्हें की होती है यू, हैव आई, हैव आई बीन टीचिंग यू। अब 6 बजे से 6 बजे से बजे के लिए लगाते हैं सिंस,
सिंस 6 o'clock. तो क्या बनेगा, क्या मैं तुम्हें 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 6 o'clock. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इसकी सेकंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन वर्ड. यदि क्वेश्चन वर्ड यू फॉर क्वेश्चन डब्ल्यू फॉर वर्ड कब कब इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, क्यों क्यों को बोलते हैं व्हाई, कहां कहां को बोलते हैं वेयर, कैसे कैसे को बोलते हैं हाउ, क्या क्या को बोलते हैं व्हाट. हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में यदि क्वेश्चन वर्ड कब कब की होती है व्हेन, क्यों की होती है व्हाई, कहां की होती है वेयर, कैसे की होती है हाउ, और क्या की होती है व्हाट. यदि ये क्वेश्चन वर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन वर्ड को आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा, उसके बाद में हैज या हैव आएगी, हैज या हैव, बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर, जस्ट ऊपर वाला ही आ जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया इसके, हैज या हैव, उसके बाद में आपको लगाना सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला ही है, उसके बाद में लगानी है बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, क्वेश्चन मार्क आ गया आपका. इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, रवि 2 घंटों से गाना क्यों गा रहा है, क्यों गा रहा है. तो ये देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, क्यों पे आपको फोकस करना, क्यों की होती है व्हाई, क्वेश्चन वर्ड हो चुका क्यों. अब रवि है, रवि के लिए लगाओगे हैज, क्योंकि रवि एक सिंगुलर नेम है, हैज और रवि, सब्जेक्ट है रवि, व्हाई हैज रवि, फिर बीन लगानी है आपको, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, गाने की होती है सिंग, आई एन जी जोड़ दोगे तो सिंगिंग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स. अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या आता है. थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसमें, यदि क्वेश्चन वर्ड इसमें आएगा कितना, कितना के लिए ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, जैसे गिन नहीं सकते, जैसे कि हाउ मच, कितनी या कितने, इसके लिए यूज करना है हाउ मैनी, कौन सा या कौन सी, इसके लिए आपको यूज करना है विच, और इसके बाद में किसका, इसके लिए यूज करना है हूज. ये क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लगाना है हैज हैव, उसके बाद में लगाना आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद में एटसेट्रा जो बचा है, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ये तो बन गया. अब ये देखिए इसका सेंटेंस क्या होगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका एक सेंटेंस. वे सुबह से कितना पानी पी रहे हैं, कितना के साथ आ गया पानी, तो कितना पानी के लिए लगाओगे हाउ मच, कितना के लिए मैंने बता दिया था हाउ मच, पानी के लिए वॉटर, हाउ मच वॉटर, हाउ मच वॉटर के बाद अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब वे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आप यूज करोगे हैव का, हैव दे, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन, हाउ मच वॉटर, हैव दे बीन ड्रिंकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी इसलिए ड्रिंकिंग, सिंस सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस
मॉर्निंग। सुबह सुबह से कितना पानी पी रहे हैं, हाउ मच वॉटर हैव दे बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, यदि सब्जेक्ट की जगह कौन आ जाए, सब्जेक्ट की जगह कौन आ जाए, कौन, कौन को बोलते हैं हु। तो आप अपना स्ट्रक्चर देख लीजिए, हु प्लस हैज, हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कैसे बनाओगे इसे, कौन, कौन 2 बजे से बाजार को जा रहा है, तो कौन की होती है हु। अभी देखिए हु, अब हैज लगाओगे या है, यदि आपको ऐसा दिख रहा है कौन 2 बजे से बाजार जा रहे हैं, कौन कौन 2 बजे से बाजार जा रहे हैं, तो कौन प्लूरल का काम करेगा, अकेला कौन आ रहा है, तो कौन कौन 2 बजे से बाजार जा रहा है, है से पता पड़ रहा है सिंगुलर है, तो हु हैज, हु हैज बीन गोइंग टू मार्केट, हु हैज बीन गोइंग टू मार्केट। अब 2 बजे से ये होती है सिंस 2 o'clock, कौन 2 बजे से बाजार को जा रहा है, हु हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। इसके अलावा यदि आपको कभी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बीन से पहले नॉट लगा देना है, किसी भी सेंटेंस में यदि नहीं शब्द आ रहा तो बीन से पहले नॉट लगाना है, ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होते हैं। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।